टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा है कि इसराइल ने गाजा में फिर युद्ध शुरू कर दिया है। इसराइल के अपराधों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके विदेश मंत्री जिम्मेदार होंगे। फिलिस्तीनी लोगों को अधिकार है कि वो हर तरीके से अपनी रक्षा करें। नागार्जुन सागर बांध पर कब्जा मामले में तेलंगाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नागार्जुन सागर बांध पर आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ साथ तेलंगाना पुलिस ने भी पड़ाव डाला है। पंजाब में पठानकोट पुलिस ने लुधियाना से इंदरबेन निज्जर के सहयोगी मनप्रीत सिंह धालीवाल को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी हिंदू नेताओं को मारने की धमकी देने के मामले में हुई है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एग्जिट पोल के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि इन तीनों राज्य में बीजेपी सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम सरकार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 4 दिसंबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वह सोमवार शाम 4:15 बजे राजकोट किले में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से अवैध मस्जिदों और मदरसों पर रोक लगाने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसी मांचल की हालत देखकर लगता है कि ना धर्म बचेगा और ना धन। बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए और धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सभी राज्यों में जीत रही है और हम दक्षिणी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम भगवंत मान ने पंजाब में गन्ने के दाम में 11 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। किसानों ने गन्ने की कीमत न बढ़ने पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की गुरदासपुर रैली के दौरान सड़कें जाम करने और विरोध करने का ऐलान किया था। ईरान के सेना प्रमुख हुसैन सलामी ने इसराइल को धमकी दी है कि 7 अक्टूबर जैसे कुछ और हमले हुए तो 48 घंटे में दुनिया से इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। सलामी ने कहा कि गाजा से तेल अवीव की दूरी केवल 70 किलोमीटर है, जबकि वेस्ट बैंक से तेल अवीव केवल 40 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को धमकी भरे 16 मैसेज मिले हैं। इसको लेकर संभाजी नगर में केस दर्ज कराया गया है। धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय सेना ने बताया है कि विशिष्ट खुफिया इनपुट पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पुलवामा में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। एनकाउंटर के दौरान हथियार और युद्ध जैसे भंडार की बरामदगी के साथ ही एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाया है। सोमैया का दावा है कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल कोविड संबंधी सभी घोटालों में शामिल है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय तंत्र की 28वीं बैठक में दोनों पक्षों ने एलएसी पर स्थिति की समीक्षा की और शेष मुद्दों को हल करने और पूर्वी लद्दाख में पुनर्वेतन हासिल करने के प्रस्ताव पर खुली रचनात्मक और गहन चर्चा की। वे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, जमीन पर स्थिर स्थिति सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने की जरूरत पर सहमत हुए हैं। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी के कारण कुपवाड़ा से तंगधार केरन मार्ग बंद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुबई के होटल पहुंचते ही प्रवासी भारतीयों ने अब की बार मोदी सरकार और वंदे मातरम के नारे लगाए। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल के अनुमान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मैं एग्जिट पोल पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मैं वास्तविक नतीजे पर विश्वास करता हूं, जो कि 3 दिसंबर को आएगा। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्य के राज्यपाल द्वारा लंबित रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप गवर्नर से कहिए कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक मामले को लेकर पंजाब की कपूरथला कोर्ट से अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी और मजीठा से अकाली दल विधायक गुनीर कौर ने 14 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। अजित पवार गुट एनसीपी की करजत में चल रही 2 दिवसीय बैठक को लेकर पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि पिछले 25 साल में पार्टी की ओर से कई ऐसे फैसले लिए गए जो आगे बढ़ाने के लिए काम में आ सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ है।
पिछले काफी समय से संजय राउत महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को अवैध बताते हुए हमले करते रहे हैं और कई बार उन्होंने सरकार गिरने की तारीखों का ऐलान भी किया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने ये कहकर हमला किया है कि इनका तो बस काम ही यही है। इसी के साथ उन्होंने दावा कर दिया है कि जल्द ही संजय राउत और आदित्य ठाकरे जेल में होंगे। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।